भाई डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस मीन्स ऑब्वियसली टू स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस साइकिल विद अ बैंग. लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू टेक आउट फ्रॉम दिस मैच. यू आर सी अ स्प्लेंडेड डेब्यू. रोहित शर्मा गेटिंग 100, अश्विन बोथ द इनिंग्स गेटिंग 5 फॉर जडेजा. सो इट कांट गेट एनी बेटर टू स्टार्ट विद. Yeah, an ideal start for a test match. I think that's what you expect. That's what you perform. You want to carry the performance from the last test series, the last test match, whatever series that you play. You want to carry that performance ahead. Really, honestly, if you ask me, didn't expect it to be that easy. I thought, looking at the wicket was difficult, got difficult as the day progressed, started turning a little more, was dry earlier on. But the way that we applied ourselves in terms of the batting and the bowling was extremely happy to see that. परेश भाई, आप सरप्राइज थे इंडिया के स्ट्रेंथ जो है ऑब्वियसली पेस बॉलिंग में स्पिन में, लेकिन ये थोड़ा सा पेस बॉलर कम थे और जिस तरह के पिच मिले लग रहा होगा कि इंडिया में ही खेल रहे हैं. हाँ, आई थिंक थोड़ा जब फर्स्ट डे तब आए थे थोड़ा ड्राई लग रहा था. और जैसे हमने पहले मैचेस भी किया, उनका जो स्टैट्स देखा है, जो उनके लोकल गेम्स यहाँ पे जो रहे हैं, वहाँ पे स्पिनर ने थोड़ा डोमिनेट किया था. तो हमें लग रहा था कि यहाँ पे जिस तरह से फर्स्ट डे आके विकेट देखा हम लोग ने, थोड़ा ड्राइश लग रहा था. और हमें लग रहा था कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा वो बहुत डिफिकल्ट होगा इन टर्म्स ऑफ बैटिंग के लिए. और एक चीज़ वो होती है जैसे विकेट होती है, दूसरा होता है कि जिस तरह से हमने विकेट यूज़ किया, जिस तरह से बैटिंग हमने जब बैटिंग किया था, वो एक सिचुएशन था जहाँ पे एक लंबा इनिंग फर्स्ट इनिंग स्कोर करना इम्पोर्टेंट था, पर वो हम लोग ने किया. और आई थिंक वो एक बेस मिला बॉलर्स को थोड़ा डालने के लिए. सो बट जिस तरह से अश्विन और जडेजा ने आके जिस तरह से बॉलिंग की है, काबिल तारीफ है. और क्या कहें इसके बारे में. अरे भाई, आप खुद बॉलर रहे हैं, बॉलर जब टेस्ट मैच में इतना अच्छा करता है, एक्सेप्शन 12 विकेट आपने लगभग, इसको अगर देखा जाए तो 100 से भी बड़ा पॉपर, लेकिन उस तरह से क्रेडिट नहीं मिलता है. आप कहीं बॉलर होकर सोचते हैं, स्पेशली जो अश्विन का जिस तरह का बीट रहा है इस मैच में. आई थिंक बाहर से होगा, पर एक चीज़ डेफिनेटली है, जो टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम है, जो सपोर्ट स्टाफ है, जो प्लेयर्स है, वो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करते हैं. और उसकी वैल्यू हमें मालूम है कि अश्विन किस तरह से, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचमेनर्स अपने देश के लिए अब तक जो है, मुझे लग रहा है अश्विन है वहाँ पे. जिस उन्होंने जिस तरह मैचेस जिताए हमारे लिए, वो बहुत ही कम है. सो मैं बोल नहीं सकता, पर काफ़ी मैचेस जिताए और इतना परफॉर्मेंस जो इतने सालों से रहा है उसमें, यू नो, मैं क्या बोलूँगा. Paras bhai, a word on Yashasvi. Obviously incredible debut for him as a youngster, and means a lot will depend on how India does, means with him opening the batting. And so you think a lot of the problem will be solved with him clicking along with Rohit? The way he's batted is fabulous. I thought for a debutant to come in, not on an easy wicket, obviously was a slow wicket, got slower as the game progressed, wasn't stroke making, wasn't easy. If you look at it, the way he's batted earlier, he's the kind of guy who likes to take on the game, likes to play his shot. But the way he applied himself on that wicket was very good to see. I think that's what you need at the international level. You would be able to adapt yourself to different conditions, situations, and most importantly, that was expected by the team. And he did the role for the team. So it's definitely very heartening, positive to see. And I'm from the performance that he has done out here will give him a lot of confidence and hold him good in going ahead in his career. परेश भाई, समटाइम्स का भी ऐसा फील होता है जैसे वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो रैंकिंग होती है बहुत अच्छी नहीं, इंडिया टू गुड फॉर देम, और ऐसे में आप एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करती है, टीम 3 दिन में जीतती है, इसके बावजूद भी मतलब आप जीते हैं तो कई बोलेंगे अरे वेस्ट इंडीज़ को हराया तो क्या मतलब, और अगर कुछ भी इधर उधर जाएगा तो क्रिटिसिज्म. तो ये डबल एज स्वॉर्ड रहता है कि जीत रहे हैं तो लोग बोलेंगे कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन ज़रा भी इधर उधर हुआ तो कैसे टीम कैसे गेम को. सी, आई थिंक ये साउंड जो है जो बाहर है टीम के ड्रेसिंग रूम के बाद, जब हम बात करते हैं इसके कोई चर्चा ऐसी होती नहीं है. हमें जब ये टूर पे जब आए थे, हमें मालूम है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है, ये टेस्ट क्रिकेट है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट हम खेलने आए. आई थिंक इससे ज़्यादा मोटिवेशन कोई इंडिविजुअल को नहीं चाहिए, कोई टीम को नहीं चाहिए. सो हमारे प्लान्स बहुत सही थे, हमें हमारा अप्रोच मालूम था, हम कैसे ये अप्रोच करेंगे सीरीज, टेस्ट मैच, T20 और वनडे सीरीज, वो हमें वेरी श्योर है. और ऐसा एप्लीकेशन हम थ्रू द सीरीज होने वाला है हमारे तरफ से. बाहर क्या बोलते हैं, अगर जीतते हैं हारते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे क्या, हमारी सोच क्या है, हमारे प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, अगर जिस चीज़ पे हमने वर्क कर रहे हैं वो अपने अप्लाई किया, हमने एग्जीक्यूट किया, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. परेश भाई, एक सवाल मैं देख रहा था, ये यंग मुकेश कुमार आए, आप उनके साथ काफ़ी वर्क कर रहे हैं बीच बीच में, किस तरह उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी क्या इंप्रेशन है तीनों फॉर्मेट के लिए हैं मुकेश के बारे में. बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग टैलेंट है.
एक तो काफ़ी मेहनत करके आया है, काफ़ी परफॉर्मेंस है उसके अंडर, सो उसको यहाँ पे जब एक टीम में जब आ गया, टीम इंडियन टीम में आया था, तो उसको उसकी वैल्यू उसको मालूम है, उसने काफ़ी मेहनत की है और ये हमें भी मालूम है कि उसने हमें फॉलो उसका परफॉर्मेंस हम काफ़ी सालों से, एक लास्ट दो साल से हम फॉलो कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, रणजी ट्रॉफी में कैसे परफॉर्मेंस रही है। सो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टैलेंट है और आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है जो हमें, मुझे स्पेशली मुझे काम करने को मिलती है, जो एक बेंच स्ट्रेंथ जो क्रिएट करना है, इवेंचुअली आगे जाके एक बेंच स्ट्रेंथ हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा। सिराज है अभी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, पर उसके सप्लीमेंट करने के लिए शामी है बुमराह है, पर उनके बाद भी हमें एक बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट करनी पड़ी करनी पड़ेगी। इसमें ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टैलेंट आ गया है, सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी उसके लिए भी, यहाँ पे लोगों के साथ बैठ के सीखे, बात करे, यू नो बाकी सीनियर बोलर्स हैं उनके साथ जितने बात करेगा वो भी सीखेगा अपने गेम के बारे में, और एक बहुत अच्छा टैलेंट, अच्छा लगा इसको देख के। इंडिया का अभी आगे का अगर देखा जाए बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है, एशिया कप, वाइड बॉल रेड बॉल दोनों का मिक्सअप है, तो क्या एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, चूँकि आपके पास कई बॉलर हैं, आप लोग आपने एज ए बॉलिंग कोच आपका ऐसा भी प्लान है कि कुछ पर्टिकुलर बॉलर्स को हमको रेड बॉल के लिए, किसी को वाइड बॉल के लिए उस हिसाब से नर्चर करना है, किस तरह से माइंडसेट है, क्योंकि इंजरी एक बड़ा कंसर्न भी रहा है। बहुत ही बड़ा कंसर्न है एंड आई थिंक ओवर द लास्ट एक साल डेढ़ साल से देखेंगे तो बुमराह एक प्लेयर है जो हमने काफ़ी मिस किया है। आगे जाके हमें वही देखना पड़ेगा, एज ऑन डिस्कस नहीं किया है कि भाई कौन वाइट बॉल खेलेगा कौन रेड बॉल खेलेगा, बट डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ आगे जाके ये सोचना पड़ेगा कि ब्रेक्स इवेंचुअली कहीं ना कहीं इंडिविजुअल बॉलर्स को भी ब्रेक देने पड़ेंगे, और वो एक ब्रेक दे अगर बॉलर को देते हैं तो एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे खड़ी हो जाती है जहाँ पे हम एक बेंच रन क्रिएट कर सकते हैं, और बाकी ऐसे बॉलर जैसे मुकेश हैं और जो काफ़ी सारे जो रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म्स कर रहे हैं, जो पहले भी टीम के पार्ट हो चुके हैं, जैसे आवेश हो या अर्शदीप हो, काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग टैलेंट है हमारे पास, तो ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनके साथ काम करने के लिए, एक बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट करने के लिए, बट आगे जाके वो भी करना पड़ेगा हमें, वो ख्याल रखना पड़ेगा कि यू नो बॉलर्स का फिटनेस, बॉलर्स का वर्कलोड मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। या ऑब्वियसली उसी से जुड़ा था मेरा अगला सवाल, देखते हैं ऑब्वियसली हाउ क्रूशियल विल बी वर्कलोड मैनेजमेंट फॉर द फास्टर बॉलर्स। ऑब्वियसली देखिए जैसे कि उसने कहा कि ऑब्वियसली अब इसके बाद एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, साउथ अफ्रीका सीरीज आ रहे हैं टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर, सो हाउ इम्पॉर्टेंट विल द वर्कलोड मैनेजमेंट बी, एंड कीपिंग इन माइंड दैट बुमराह इज गेटिंग फिट, ही लुक्स लाइक टू बी फिट, तो क्या लगता है? आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ गोइंग अहेड, something that we've been working on for the last couple of years, handling the workload were important. Obviously we missed Bumrah, we missed Prasad, the other bowlers who've been part of this setup, unfortunately are not here with the team. We ideally would want them to be out here, but looking at, we learned from that and saying that looking ahead with the schedule that we have right now going ahead, we're going to play a lot of matches, we want to play a different format as well, you know, you're going to be T20, you're going to be one day, and I think in that sense workload will be important. And I think we all focusing on that, we all heading in that direction, discussions, a lot of discussions going on in within the team management, with the captain, and I think going ahead that's going to be very important.